हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर एहतसाब अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसले की कॉपी आने तक समाअत मुलतवी की जाए। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस की इस्तदा, आप परेशान ना हो, कॉपी मंगवाई है, देख लेते हैं। मालूम नहीं किसके लिए सजा भुगत रहा हूँ, क्या मुल्क को एटमी ताकत बनाने, लोड शेडिंग के खात्मे, सी पैक और कराची में अम लाने की सजा दी जा रही है। नवाज शरीफ का सवाल, कहा जरदारी साहब मुझे गालियाँ नहीं दे रहे, किसी को खुश कर रहे हैं, ये सब क्या है, किस बात की सजा है। नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ, जो भी आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा उसका यही हाल होगा। ख्वाजा साद रफीक की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को नारवा अंदाज में कचहरे में खड़ा किया गया। नवाज शरीफ मुल्क का असासा है, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, नवाज शरीफ को इससे ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, मायजा हमीद बोली नवाज शरीफ इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रायल शुरू होने के बाद सबूत ढूंढते जा रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की एहतसाब अदालत आमद पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर माहौल गर्म, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट, 1000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। मैं खाकान अबासी आपसे पूछता हूं, किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हो? एक कौम का मुजरिम 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का यहां से बाहर लेके गया है और आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं 40 गाड़ियों का। वजीर आजम बताएं, कौम के मुजरिम को प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? इमरान खान का सवाल, कहा हुकूमत पैगाम दे रही है, चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारो। नवाज शरीफ पैसा बचाने के लिए फौज और अदलिया पर हमले कर रहे हैं। कौमी मुफाद में सिक्योरिटी इकदामात जारी रहेंगे, हुकूमती तावुन से फौज ऑपरेशनल नतायज को मुस्तहकम कर रही है। आर्मी चीफ का कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कॉन्फ्रेंस में अफगान और अमरीकी हुकाम के साथ हालिया राब्तों का जायजा लिया गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे नूर खान गोट में फायरिंग से नौजवान जान बहा, 3 मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला और मसरूका सामान बरामद। पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार, मोटरवे समेत कई इलाकों में हद निगाह सिफर, ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। बानिए पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की इकलौती साहबजादी दीनावाडिया न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गईं, उनकी उम्र 98 बरस थी। लंदन में टैक्सियों के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने सख्त नोटिस ले लिया, इंतजामिया से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।